आज की रेसिपी से अब आप सिर्फ 20 रुपए में ही घर पर चिकन पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ये वीगन चिकन पॉपकॉर्न बाजार में मिलने वाले चिकन पॉपकॉर्न से 10 गुना सस्ते हैं और स्वाद में किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन में मिलने वाले चिकन पॉपकॉर्न से कई ज्यादा स्वाद। तो चलिए चिकन पॉपकॉर्न बनाते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप सोय चंक्स, जिसे हम 2 कप पानी में उबाल लेंगे। जब सोय चंक्स पक जाएं, तब हम उन्हें एक छन्नी में निकाल लेंगे और करछी की मदद से उन्हें हल्के हाथ से दबाते हुए पानी निचोड़ लेंगे। अब एक बोल लेंगे और उसमें 1 कप अनस्वीटेंड सोय मिल्क डाल लेंगे। फिर उसमें 2 बड़े चम्मच सिरका, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच लहसुन का रस डाल लेंगे। अब 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ओरेगानो डालेंगे, जो आपको पिज्ज़ा के साथ मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलने के बाद इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से पॉपकॉर्न को एक बहुत बढ़िया गोल्डन क्रंच मिलेगा। ये हो गया हमारा वेट मिक्सचर तैयार। अब बस जल्दी से ड्राई मिक्सचर भी बना लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में हम ब्रेड क्रम्स लेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम कर लेंगे और चंक्स को एक करछी में डाल लेंगे और पहले उन्हें हम वेट मिक्सचर में और फिर ड्राई मिक्सचर में डिप करेंगे। ऐसा हम 2 बार करेंगे ताकि तैयार पॉपकॉर्न्स बढ़िया से क्रंची हो जाएं। चंक्स को हम मीडियम हाई हीट पर ही फ्राई करेंगे। जब चंक्स गोल्डन हो जाएं, तब उन्हें निकालकर वीगन मेयो या चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए आप पीपल फार्म वीगन किचन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।